चीनी का उत्पादन बढ़ा। इस्मा के ताजा अनुमान के मुताबिक 15 दिसंबर तक पिछले साल के मुकाबले उत्पादन 11% बढ़ा, अब तक 53,29,000 टन का उत्पादन। हल्दी वायदा में गिरावट, एनसीडीएक्स पर भाव 0.5% तक लुढ़का, भाव 7,000 के नीचे, इंट्राडे में लुढ़का, हाजिर बाजार में भी कमजोर। गुरुवार की भारी गिरावट के बाद सोने चांदी में रिकवरी, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 100 रुपये बढ़ा, चांदी में करीब 250 रुपये की मजबूती। क्रूड कीमतों में गिरावट बढ़ी, एमसीएक्स पर क्रूड का भाव करीब 1% रुका, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दबाव, लीबिया में सप्लाई बढ़ने की खबर का असर।